Hello students, this is NCERT Maths, class 9th, exercise 9.3, question number 10. The question is, diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O. Then prove that area of triangle AOD equals to area of triangle BOC. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया, ABCD. यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, इसमें ए बी और डी सी पैरेलल है, ठीक है, और डायगोनल ए सी और बी डी को भी ज्वाइन कर लिया विच इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ. अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए ओ डी का एरिया बी ओ सी के एरिया के इक्वल होगा. अगर फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी और एक ट्रायंगल है ए सी बी. ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी सी. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड between the parallel lines AB and DC. दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. Hence area of triangle ABD equals to area of triangle क्या होगा, ABC. अब इस दोनों एरिया में अगर एक कॉमन एरिया में ऐड कर दूं AOB तो क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया में माइनस कर दूं तो मुझे AOD और BOC इक्वल प्रूफ हो जाएगा जो रिक्वायर्ड है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस कर दिया. सिमिलरली राइट साइड भी ABC से क्या माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस कर दिया. माइनस करने के बाद दिख रहा है कि क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और यहाँ पे मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC जो कि मुझे प्रूव करना है.